आखिरकार नीतीश कुमार का दर्द उनकी जुबान पर आ ही गया। वो कई सालों से कोशिश करते रहे कि जीतन राम मांझी पर कुछ ना बोले, लेकिन उन्होंने जब अपनी चुप्पी तोड़ी तो फिर जीतन राम मांझी पर तगड़ा निशाना साधा। दरअसल निशाना साधने का अंदाज भी नीतीश का अनोखा ही रहा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में दशरथ मांझी की तारीफ करते हुए जीतन राम मांझी पर चुटकी ली। पटना में नीतीश कुमार ने जब दशरथ मांझी श्रम एवं नियोजन अध्ययन संस्थान का उद्घाटन किया, इस मौके पर बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी भी मौजूद रहे। वहीं इस मौके पर नीतीश कुमार ने दशरथ मांझी की जमकर तारीफ की और कहा कि दशरथ मांझी जब उनसे एक बार मिलने आए थे तो उन्होंने मांझी को अपने मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाया था, जिसकी खूब तारीफ हुई थी। लेकिन इसी लाइन के बाद नीतीश ने दूसरे मांझी का जिक्र किया और फिर निशाना साध दिया। नीतीश कुमार ने यह कहा कि दशरथ मांझी के बाद उन्होंने एक और मांझी को अपनी कुर्सी पर बैठाया था। खैर, वो तो अलग चीज है। वहीं नीतीश कुमार के इस बात पर सुनकर सभी लोग हंसने लगे। पटना में जो जनता के दरबार में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम होता था, तो फर्स्ट हाफ लोगों का सुनने के बाद बीच में मीडिया के साथ इंटरेक्शन होता था, तो उसी के लिए और लोगों को भी थोड़ा फुर्सत, जो हमारे अधिकारी सारे बैठे रहते थे कि भाई वो लोग भी तो कुछ चाय वाय पी ले, कुछ नाश्ता कर ले, अन्य लोगों को भी चाय मिल जाए, तो उसके लिए थोड़ा देर। और उस बीच में जब मीडिया से बातचीत हो गई तो मांझी जी आए हुए थे, बैठे हुए थे, तो हमने कहा बैठा मांझी जी। तो हम जब जाने लगे तो हमने कहा कि मांझी जी जिस कुर्सी पर हम बैठते थे उस कुर्सी पर हमने कहा कि आवा मांझी जी, अब तू यहाँ बैठा। और उसके बाद जो पत्रकार लोगों ने उसकी तस्वीर ली और अगले दिन 8 कॉलम का हेडलाइन बना था, समझ गए, 8 कॉलम का हेडलाइन बन करके फ्रंट पेज पर सारे अखबारों ने ये छापा कि हमने अपनी कुर्सी पर बैठा दिया। अब बाद में एक और को बैठाए थे, लेकिन खरू तो अलग चीज। आपको बता दें कि मांझी और नीतीश के सियासी रिश्ते इन दोनों बहुत अच्छे रही हैं। एक वक्त दोनों नेता काफी करीबी माने जाते थे। नीतीश के ही समर्थन से जीतन राम मांझी को 2014 में बिहार का सीएम बनाया गया था। हालांकि बाद में जब उनसे इस्तीफा देने को कहा गया तो वो नहीं माने और बागी हो गए। इसके बाद नीतीश कुमार से उनके रिश्ते खराब हो गए। 20 जनवरी 2015 को उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद से ही नीतीश कुमार हमेशा से ही उन पर निशाना साधने से बचते रहे, लेकिन जिस तरह का तंज नीतीश ने कसा है वो साफ तौर पर उनके दर्द को बयान करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।